कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कालिका भवन के पास काउंटर नंबर 2 के पास आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि जहां आग लगी है उस स्थान से प्राकृतिक गुफा की दूरी तकरीबन 100 मीटर है। आग जहां लगी वो कमरा नंबर 4 कैश काउंटर बताया जा रहा है जो कि पूरी तरह जलकर राख हो गया। अभी तक शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह सामने आई है। जानकारी के मुताबिक आग शाम करीब 4:30 बजे लगी थी। पुलिस के मुताबिक इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहां हर महीने लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं। गनीमत रही कि कोरोना संक्रमण के चलते लगाई गई रोक की वजह से यहां किसी की मौजूदगी नहीं थी। अगर ये हादसा सामान्य दिनों में हुआ होता तो किसी भीषण दुर्घटना की आशंका थी। कहा जा रहा है कि यह आग वीआईपी गेट के पास शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। देखते ही देखते आग ने उग्र रूप धारण कर लिया। कर्मियों ने बचाव का काम शुरू करने के साथ ही श्राइन बोर्ड के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। सूचना पर बोर्ड के फायर विंग के जवान मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। इस अग्निकांड में कितना नुकसान हुआ इस बारे में अभी कोई सूचना नहीं मिल पाई है। वहीं श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। आग लगने के बाद पहाड़ों पर दूर से ही आग की भयंकर लपटें देखी गई और भैरव घाटी तक आग की लपटें दिखी। आग का धुआं मंदिर परिसर के पास भी फैलता दिखा। आग बुझाने की कोशिशों में प्रशासन लगातार जुटा रहा। बता दें हर साल यहां गर्मियों में आग लगने की खबरें सामने आती हैं। हालांकि कालिका भवन में आग लगने की जानकारी मिलते ही कटरा में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। सभी को माता के भवन की चिंता सता रही थी। जैसे ही लोगों को पता चला कि आग पर काबू पा लिया गया, माता के भक्त जयकारे लगाने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑल इंडिया।